यीशु पानी में चले करत ही 5,000 मनैन का भोजन कराए के बाद यीशु अपन चेलन से नाव में जाए के लाने कहीं। उन्हीं झील के दूसर तरफ चले जाए के लाने कहीं। जबकि ऊँ थोड़ी समय के लाने उन्हें रुक गए। वह समय चेला अपन नाव का खेवत जात रहे हैं, पर हवा उनके विरुद्ध बड़ी जोर से बहत रही ही। बहुत रात हो जाए के बाद भी वो बस झील के बीच में ही पहुंचे रहे हैं। वह समय यीशु प्रार्थना करे का समाप्त करिन और अपन चेलन के पास वापस जाए का आरंभ करिन। नाव के तरफ जाए के लाने पानी के ऊपर चला लगे। तब चेला वही देखिन, वो बहुत डरा गए, कैसे कि वो सोचिन कि वह कोनो भूत आए। यीशु जानत रहे हैं कि वो डरा गए हैं, यही से उन्हें आवाज दे के कहिन, डरा मत, यह मैं आहूं। तब पतरस यीशु से कहिस, हे प्रभु, अगर ये ते हस तो मुही पानी में चल के तोरे पास आमा का आदेश दे। यीशु पतरस से कहिन, आ। पतरस नाव से उतर गा और यीशु के पास जाए के लाने पानी के सत्ता में चला का आरंभ करीस। पर थोड़ी दूर जाके वह अपन आँखी का यीशु से फेर लेस और लहरन का तरफ देखा और तेज हवा का महसूस करा का आरंभ कर दईस। तब पतरस डेरा गा और पानी में डूबा लगो। वह चिल्लामा लगो, हे प्रभु, मोही बचा। यीशु वह समय हाथ बढ़ा के वही पकड़ लेन। तब ऊ पतरस से कहिन, तोर विश्वास बहुत कम हबा, बच्चे के लाने ते मोरू पर भरोसा कहे नहीं करे। तब यीशु और पतरस नाव में चढ़ गए और तुरंत हवा बहना बंद होइगा, पानी शांत होइगा। चेला चकित होई के यीशु के आगे में घुटना टेक दईन। हूँ उनखर आराधना करिन और उन्हीं कहिन, सचमुच ते परमात्मा के बेटबा आहे। मत्ती अध्याय 14:22-33, मरकुस 6:45-52, यूहन्ना 6:16-21 से बाइबल की एक कहानी।